तो दोस्तों आपकी 10th या फिर 12th की मार्कशीट खो चुकी है, आप डुप्लीकेट मंगवाना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पर क्लिक करके आप सीधा इस पोर्टल पर आ सकते हो दोस्तों। अभी हमें डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर डुप्लीकेट मार्कशीट वाले ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर हमें नेम डालना है, तो नेम कैसे, तो एज़ पर मार्कशीट, जैसे आपका मार्कशीट में नेम है वैसे यहाँ पर आपको सरनेम, नेम और फादर नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे बर्थ डेट यहाँ पर हमें डाल देना है दोस्तों कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस है वो डाल देना है। तो सबसे पहले स्टेट को फिलअप कर देना है, जो आपका करंट एड्रेस है वही डालना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद तालुका है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिलअप करना होगा। विलेज यहाँ पर आपको डाल देना है, सिटी या विलेज जो भी हो। एड्रेस यहाँ पर डालना है, घर नंबर और एरिया कौन सा है। उसके बाद नीचे आना है, आपको अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद अपना पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर पासवर्ड हम डालेंगे और दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पर फिर से यहाँ पर दोबारा पासवर्ड डालेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देखो आप रजिस्टर हो जाओगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आप सीधा लॉगिन करना है, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है, पासवर्ड यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते आप लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम लिस्ट पे क्लिक करना है, आपको क्या चाहिए, 12th का डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए या फिर 10th का चाहिए, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको पढ़ना नहीं है। यहाँ पर आपको सीधा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो अभी जो ब्लू कलर का बटन शो हो रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करना है, एप्लीकेशन करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका नेम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सीट नंबर डालना है। तो जो आपका मार्कशीट है उनका सीट नंबर देखो यहाँ पर लिखा होगा, आपके पास जेरोक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको अपना सीट नंबर लिखना है, सबसे पहले जो सीरीज है वो सीरीज लिखना है, सीट नंबर यहां पर दोस्तों आपको लिख देना है पूरा, आपको ध्यान रहे गलती ना हो यहां पर। उसके बाद पासिंग एग्जाम मंथ और ईयर यहां पर डालना है, जैसे मैंने डाला ऐसे नहीं डालना है दोस्तों, यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, आप वैसे डाल सकते हो, ठीक है। नीचे स्क्रोल करना है, जो अभी रेड डॉट वाले जो ऑप्शन है उन्हीं को हमें फिलअप करना है, बाकी को आपको फिलअप नहीं करना है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो दोस्तों अभी सीधा अप्लाई फॉर पे आना है, यहाँ पर आपको मार्कशीट चाहिए या सर्टिफिकेट तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ़ी का पूछ रहा है कि फ़ी कितना आपको पे करना होगा, तो यहाँ पर देखो फ़ी फॉर ईच डुप्लीकेट मार्कशीट 75 रुपीज़ है, पोस्टल चार्जेस 50 रुपीज़ है, टोटल आपको फ़ी पेमेंट करना होगा 1 to 5, ठीक है। तो इतना पेमेंट आपको करना होगा। अभी नीचे आना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पोस्टल एड्रेस है वो शो हो जाएगा, आपको एक बार अपना जो पोस्टल एड्रेस है उनको वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सीधा आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर पूछ रहा है रीज़न फॉर गेटिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, आपको क्यों चाहिए। तो यहाँ पर आपका गुम हो चुका है, ख़राब हो चुका है, फट चुका है, तो आपको लिख देना है लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपका स्कूल लेटर आपको डालना होगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं है तो चलेगा, सिर्फ मैंने जैसे बोला आपको रेड डॉट है वही आपको फिलअप करना है। अगर है तो आप यहाँ पर देखो 10th का हॉल टिकट है तो आप अपलोड कर सकते हो। मार्कशीट यहाँ पर देखो कॉपी ऑफ एप्लीकेंट मार्कशीट अगर आपके पास है तो उनको भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इनमें से कोई भी डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आपको एक कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ है उनको सिर्फ अपलोड करना होगा, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मार्कशीट हमारे पास है, हम मार्कशीट अपलोड कर देंगे और यहाँ पर हम अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आईडी प्रूफ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा पैन कार्ड यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड, तो पासपोर्ट आपके पास है अगर तो आप पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, पेमेंट पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है दोस्तों, 1 to 5 का पेमेंट करना है अभी हमें। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल कर देंगे, पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद
पेमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। हम यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, उसमें भी दो ऑप्शन है, यूपीआई आईडी से भी या फिर क्यूआर कोड। हम क्यूआर कोड सिलेक्ट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करते ही क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा दोस्तों। तो अभी इस क्यूआर कोड का जो पेमेंट हमें करना है, तो इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन करना होगा अपने यूपीआई में। तो यूपीआई से जैसे स्कैन हो जाएगा, तो दोस्तों जैसे पेमेंट होगा तो कुछ इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका पेमेंट हो चुका है दोस्तों। तो फिर से हमें क्या करना है, होम पर चले जाना है और इस पोर्टल पर वापस आ जाना है। फिर से यहाँ पर एग्जाम लिस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था वो सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वाला पेज आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पेमेंट हो चुका है, पेड आ चुका है, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, सीट नंबर आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। प्रीव्यू देख सकते हो और पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हो। तो प्रीव्यू में यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा दोस्तों, आपका अपने एप्लीकेशन जो किया वो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा। इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है, अगर इनका रिक्वायरमेंट हो तो, आपको ज़रूरत पड़े तो इनका प्रिंट आपको रखना है अपने पास, ठीक है। तो जैसे आपका दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है, यहाँ पर देखो डिस्पैच आ जाएगा और यहाँ पर रिमार्क में लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ट्रैकिंग डिटेल्स मिल जाएगा, तो इस ट्रैकिंग डिटेल्स को क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें इंडियन पोस्ट लिखना है और ट्रैक कंसाइनमेंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना कंसाइनमेंट नंबर डालना है और यहाँ पर हमें कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ट्रैकिंग मिल जाएगा, जैसे आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है आप इससे ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों विद इन 5 to 10 days के अंदर आपका जो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो आपके घर तक डिलीवर्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट होगा, लेकिन सिर्फ उस पर लिखा होगा डुप्लीकेट, लेकिन ये सभी जगह पर वैलिड होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना 10th और 12th का मार्कशीट है वो गुजरात में आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर